सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल खतीजा मेहरान रिएक्शन। और मैं हूं आपकी होस्ट खतीजा वसीम, और मेरे साथ है मेहरान आसिफ। आज इस वीडियो के ऊपर हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक जानिब है इंडियन कैपिटल दिल्ली, और दूसरी जानिब है पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, दिल्ली किस तरह का लगता है, और इस्लामाबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर, इस्लामाबाद किस तरह का लगता है, इस्लामाबाद के हवाले से क्या है और दिल्ली के हवाले से क्या है। तो आए चलते हैं वीडियो की जानिब, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मस्ट सब्सक्राइब अवर चैनल, और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आए चलते हैं। हम आज इस्लामाबाद वर्सेस दिल्ली का कंपैरिजन का वीडियो लाए हैं। पिछले वीडियो मुंबई वर्सेस कराची में आपको जबरदस्त रिस्पांस देने के लिए शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोनों शहर अपने अपने देशों की राजधानी है। आपको बता दें कि इस वीडियो में हम पूरे दिल्ली शहर की बात करेंगे, जबकि भारत की राजधानी नई दिल्ली है जो दिल्ली की एक डिस्ट्रिक्ट है। आपको थोड़ा इन दोनों शहरों की हिस्ट्री बताते हैं। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद पाकिस्तान को एक मजबूत राजधानी की तलब थी। खुद मोहम्मद अली जिन्ना ने कराची को पाकिस्तान की राजधानी घोषित की थी। हाँ जी, पहले लेकिन लोकेशन और बिजनेस सिटी होने के चलते पाकिस्तान की राजधानी बदलकर रावलपिंडी कर दी गई, और बाद में 14 अगस्त 1967 में इस्लामाबाद को पाकिस्तान की नई राजधानी घोषित की गई। वहीं अगर आप दिल्ली की बात करें तो आनंद पाल से लेकर पृथ्वीराज चौहान और मुगलों से लेकर ब्रिटिश राज तक दिल्ली का एक गहरा इतिहास छुपा हुआ है। 1911 से ब्रिटिश ने दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित की थी, जो कि आजादी से अब तक चल रही है। दोस्तों, जीडीपी की बात करें तो इस्लामाबाद की जीडीपी $10 बिलियन है, वहीं दिल्ली की जीडीपी $305 बिलियन है। पॉपुलेशन की बात करें तो इस्लामाबाद की पॉपुलेशन 1.152 मिलियन है, वहीं दिल्ली की पॉपुलेशन 19 मिलियन है। बहुत छोटा है। बात करें तो इस्लामाबाद का एरिया 906.5 किलोमीटर स्क्वायर है, वहीं दिल्ली का एरिया 1484 किलोमीटर स्क्वायर है। इतना नहीं डिफरेंस। रिलीजन की बात करें तो इस्लामाबाद में 95.53% मुस्लिम, 4.07% क्रिश्चियन, 0.02% हिंदू और दूसरे माइनॉरिटीज है। वहीं दिल्ली की बात करें तो 80% हिंदू, 12.86% मुस्लिम, 3.77% सिख, 1% जैन, 1% क्रिश्चियन और दूसरे धर्म के लोग रहते हैं। चलिए दोस्तों कुछ खाने पीने की बात करते हैं। दिल्ली में औसतन एक वक्त का खाना 140 रुपए का मिलता है, वहीं इस्लामाबाद में एक वक्त का खाना 165 भारतीय रुपए में मिलता है। एक लीटर के मिनरल वाटर बॉटल औसतन दिल्ली में 20 रुपए की मिलती है, वहीं इस्लामाबाद में 23 भारतीय रुपए में मिलती है। टैक्सी का किराया 1 किलोमीटर का दिल्ली में 12 रुपए है, वहीं इस्लामाबाद में 20 भारतीय रुपए है। एक अच्छे मल्टीप्लेक्स सिनेमा की नॉर्मल टिकट औसतन दिल्ली में 300 रुपए तक मिलती है, वहीं इस्लामाबाद में 320 भारतीय रुपए में मिलती है। मतलब 640 का सिटी के सेंटर में एक मंथ का किराया औसतन दिल्ली में 16,000 रुपए होता है, वहीं इस्लामाबाद में 10,000 भारतीय रुपए होता है। अगर आपको कोई फ्लैट खरीदना है तो दोस्तों ये रेट्स भी जान लो। सिटी के सेंटर में औसतन दिल्ली में रेट 3 लाख रुपए पर स्क्वायर मीटर है, वहीं इस्लामाबाद में 60,000 भारतीय रुपए पर स्क्वायर मीटर है। टैक्स के बाद औसतन एक व्यक्ति की सैलरी दिल्ली में 41,000 रुपए है, वहीं इस्लामाबाद में 18,000 भारतीय रुपए है। दोस्तों, एयरपोर्ट की बात करें तो इस्लामाबाद का इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 2017 से 2018 में 4.7 मिलियन पैसेंजर्स ने ट्रैवल किया, जबकि एयरपोर्ट की कैपेसिटी 15 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर की है। वहीं दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो 2017 से 2018 में 65.7 मिलियन पैसेंजर्स ने ट्रैवल किया था, जिसके चलते न केवल भारत का बल्कि पूरे साउथ एशिया का सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट बना था। वहीं एक प्रोजेक्ट के तहत 100 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर कैपेसिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है।
दोस्तों पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इस्लामाबाद में इस्लामाबाद से रावलपिंडी मेट्रो बस को बहुत अच्छा और आला किस्म का माना जाता है। लेकिन दिल्ली में अगर चले जाओ तो 24 बस स्टेशन है और सभी बेहद खूबसूरत तरीके के हैं। इस सर्विस को सबसे भरोसेमंद सर्विस मानी जाती है। स्टूडेंट से लेकर ऑफिस वर्कर तक हर कोई इसका इस्तेमाल करता है। लेकिन इस्लामाबाद में शहर में ट्रैवल करने के लिए न कोई मेट्रो ट्रेन है और न कोई लोकल ट्रेन। वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के मेट्रो दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी मेट्रो लाइन है। यहाँ मेट्रो में प्रतिदिन लाखों लोग सफर करते हैं, वहीं बसेस भी इतनी ही चलती है। दोस्तों अब थोड़ा घूमने फिरने की बात करते हैं। इस्लामाबाद में आप फैसल मस्जिद, मगल्ला हिल्स, पीर सोहावा, पाकिस्तान मॉन्यूमेंट, बारी इमाम दरगाह, पार्लियामेंट हाउस, दामने कोक, इस्लामाबाद जू, सैदपुर विलेज, लोक विरसा म्यूजियम, रावल लेक जा सकते हैं। वहीं दिल्ली में रेड फोर्ट, इंडिया गेट, राजघाट, कुतुब मीनार, राष्ट्रपति भवन, जामा मस्जिद, जंतर मंतर, हुमायूं टॉम, चांदनी चौक, लोटस टेम्पल, बंगला साहिब गुरुद्वारा, अक्षरधाम टेम्पल, अग्रसेन की बावली, हजरत निजामुद्दीन दरगाह जा सकते हैं। तो दोस्तों आपको कौन सी राजधानी अच्छी लगी, दिल्ली या इस्लामाबाद? बताएं जी आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लगा? दोनों अपनी भी जगह काबिले मशहूर है। इस्लामाबाद तो एरिया के लिहाज से कम है, वो दिल्ली तो एरिया के लिहाज नहीं हो, दिल्ली की बात करें ना पर मैंने प्रॉपरली वो तो ज़्यादा है। लेकिन अगर देखा जाए तो इंडिया के वो ज़्यादा डेवलप्ड है बनिस्बत पाकिस्तान, अगर देखा जाए तो वहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा है, इंडिया हमसे आगे। लेकिन महंगाई में देखा जाए तो एक्सपेंसिव इस्लामाबाद बहुत ज़्यादा है, नो डाउट, ये तो हम भी कहेंगे इस्लामाबाद बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस्लामाबाद के अंदर एक चीज़ है, जैसे दिल्ली में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है पर इस्लामाबाद में कामनेस, पीस बहुत ज़्यादा है। और वही है ना, जहाँ पे कम लोग होंगे तो वहाँ पे पीस ज़्यादा ही होगा, काम भी होगा। और यकीनन पाकिस्तान में वहाँ पे, यहाँ पे थोड़ी सी ये चीज़ है ना, वो दिल्ली थोड़ी सी हिस्टोरिकली अपना मुकाम रखती है ना, लेकिन इस्लामाबाद में अगर आप चले जाएँ तो आपको वो पहाड़ और दूसरी चीज़ें वहाँ पे कुछ इतनी पुरानी चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी। लेकिन दिल्ली में आपने जिस तरह रेड फोर्ट, कुतुब मीनार और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जिस तरह इस्लामाबाद में बरी इमाम है, वैसे वहाँ पे एक दरगाह का दिल्ली में है, तो वो एक छोटी मोटी चीज़ें हैं। बट नो डाउट अगर देखा जाए तो एतवार के लिहाज से दिल्ली जो है वो ज़्यादा डेवलप है, क्योंकि वहाँ पे और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से भी, जिस तरह ये तो अभी आके मेट्रो कुछ अरसा पहले हुई, उससे पहले तो नहीं था, और लेकिन वहाँ पे मेट्रो ट्रेन है और वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन है। इस्लामाबाद तो रिक्शा तक नहीं चलता, इस्लामाबाद में रिक्शा नहीं है, इस्लामाबाद में आपको लोकल ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम मिलेगी आपको इन इस्लामाबाद। वो वहाँ पे आप देखें तो हमारे पार्लियामेंट हाउस है, हमारे जितने भी वफाक की चीजें हैं या बड़े बड़े अदारे हैं उनके हेडक्वार्टर्स और सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट हाउस और सिक्योरिटी वाली चीजें, तो वो जरा सिक्योर चीजें हैं, तो कुछ सिक्योरिटी इश्यूज को भी मद्देनजर रखते हुए ये चीजें होने, लेकिन हम इसको बहाना नहीं बना सकते। लेकिन अगर देखा जाए तो इसी तरह दिल्ली भी तो है, तो वो डेवलपमेंट के हवाले से जो है वो दिल्ली आगे है, इस्लामाबाद उस तरह नहीं। लेकिन एज ए पाकिस्तानी अगर हम कहें तो हमें अपना कैपिटल बहुत प्यारा है, बहुत ज़्यादा है। अगर हम दिल्ली वर्सेस कराची करते हैं ना, क्योंकि पहला हमारा कैपिटल कराची था तो फिर बात कुछ और थी, क्योंकि कराची एक सेम था लाइक दिल्ली में भी काफ़ी पॉपुलेशन है, कराची में काफ़ी पॉपुलेशन है। सुनोड़ो इस तरह की जो वीडियोस हैं उससे आपको भी कंपेयर और बड़ी चीजें पता लगी, क्या पॉपुलेशन है, क्या चीजें आपको मिलती हैं, क्या रेट्स हैं, कहाँ पे क्या हो सकता है क्या। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जाने से पहले लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सजेशन लाजमी दीजिएगा। तब तक के लिए अपने अच्छे अच्छे से मेजबानों को दीजिएगा इजाजत, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह निगहबान।